अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ एक्सेल की, कि एक्सेल में फार्मूला कैसे लगाते हैं। अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि फार्मूला जो है वो अप्लाई कैसे करना होता है, या वो एक्सेल में या गूगल शीट में अप्लाई किस तरह से होता है। बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। पहली बात तो यह कि एक्सेल फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, आपको गूगल से हर चीज़ का फार्मूला जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। आप गूगल में सर्च करें किसी चीज़ का, आपको फार्मूला चाहिए, एवरेज का चाहिए, सम का चाहिए, किसी चीज़ का भी चाहिए, आप फौरन गूगल सर्च करें, आपको जो है एक्सेल का फार्मूला जो है अवेलेबल हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब बात यह है कि एक्सेल में फार्मूला लगाना कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले ये मुसावी, जिसे कहते हैं हम उर्दू में, ठीक है, या बराबर, इसको लगाएँगे, ठीक है। इसके बाद आपने लगाना है, मैं कर रहा हूँ सम का, यानी कि मैंने जमा करना है, ठीक है, सम ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अब मैंने वो कॉलम्स या वो सेल्स सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं, जिनका डाटा जो है वो प्लस करना चाह रहा हूँ, जमा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ये जिस मींस के अगर हम यहाँ की बजाय मैं फार्मूले की यहाँ लगाना चाह रहा होता तो मैं यहाँ लगाता। अभी ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो H17 मीन्स H कॉलम है, ठीक है। उसके बाद रो कौन सी है, रो नंबर 17, रो नंबर 17 से मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया फर्स्ट वन वो था, देन हम चले गए हैं H28 तक। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ जो इसको सीधा सेलेक्ट करके ही कर दिया। इसके आगे यहीं पर इंटर दबा दें, ठीक है। अब इसने हमें कहाँ से कहाँ तक का दिया, यहाँ ऊपर देखें, ये इस जगह पर H17 से H28 तक ये जितनी वैल्यूज़ थी उसको इसने जमा करके हमें ये फिगर दे दिया है। आप इन फिगर्स को अगर H17 से H28 तक कैलकुलेटर पे अभी काउंट करें देन आपको यही फिगर ही मिलेगा, ठीक है। फार्मूला लगाना होता है आपने जहाँ से जो जो आपको डाटा चाहिए होता है, कॉलम, कॉलम का आप नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट्स हो गए, उसके बाद आपका रो नंबर होगा, जो आपकी रो है काउंट आप उसको लगाएंगे, ठीक है। ये तो सम का फार्मूला मैंने लगाया। अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं सेम तरीक़ेकार, मुसावी लगाएंगे, इसके बाद आप ERAGE एवरेज और ये ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट, ये Shift 9 आप दबाएंगे तो ये ब्रैकेट आएगी, ये तकरीबन हर कीबोर्ड पे यही है, ठीक है ना। देन आप ये इसको कर देते हैं सिलेक्ट, आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, H22 H26, अब मैंने कर दिया इंटर। ये इन वैल्यूज़ किसने मुझे एवरेज निकाल के दे दिया। एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए ये काम है कि इन्होंने यहाँ से जहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया इसको जमा कर लिया, सारी वैल्यूज़ को जमा करने के बाद उसको जो है तकसीम कर दिया या डिवाइड कर दिया काउंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ सेल्स हैं तो 8 पे उसको तकसीम कर दिया, इसको जमा करके। अगर आप कैलकुलेटर पे इस तरह करेंगे देन भी आपको यही सेम फिगर मिलेगा, इसके अलावा कोई फिगर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो तरीक़ाकार है फार्मूला लगाने का, कोई भी आपने फार्मूला लगाना है वो आप इसी तरीके से लगाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, आप अक्सर जब जमा करने के लिए सम लगाते हैं, हमने यहाँ पे सम लगाना है, ठीक है, यहाँ हम लगा देते हैं SUM ब्रैकेट देन H, मैनुअली मैं ऐड करके आपको बता रहा हूँ, H2, क्योंकि H1 पे तो हमारा ज़ाहरी बात है ना, 1 जो हमारी रो है उस पर हमारे हेडिंग है सारी, जो दिए हेडर्स हैं, सो अब इसको H, इसके बाद 501, ये लास्ट वन रो, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है, ब्रैकेट इंटर। ये जो इन्होंने काउंट किया है मैं, ये ओवरऑल सबका दिया है, ठीक है। आप इसको जब भी कहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे यहाँ कर दिया आपने नीचे, ठीक है, आप इसके अंदर डाटा ऐड करना चाह रहे हैं आप इसको पकड़ेंगे, यहाँ भी ले आएंगे, अगर यहाँ कोई ये डाटा बढ़ गया वो भी जमा हो गया आपके अंदर, 501 तक है, सॉरी, इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, अभी हमने इसको 503 कर देना है, इंटर किया, अब वो भी जमा हो गया, ठीक है। फार्मूला लगाने का ये सिंपल सा तरीक़ाकार होता है, पहले जो फार्मूला है वो लिखेंगे, देन ब्रैकेट के बाद आप कॉलम नंबर लिखें, कॉलम नेम, देन जो कॉलम, जिस कॉलम से जिस कॉलम तक आप, रो से जिस रो तक आप जाना चाह रहे हैं आप उसको लगाएंगे। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ये सिंपल फार्मूला लगाने का तरीक़ाकार है जो मैंने आपको आज बताया,
बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। सिंपल तरीक़ेकार से आप फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये गूगल शीट पे भी आप कर सकते हैं और एक्सेल पे भी, दोनों के लिए सेम तरीक़ेकार होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में, बिकॉज दोनों ही सेम सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।